अच्छा पैसे ही दे दिया उन्होंने। अच्छा उनका पैसा दे दिया। हाँ। समझ लिया दोस्तों, सावन का महीना, सावन के महीने में पूरे हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा है, लोग जा रहे हैं केदारनाथ रुद्रनाथ। तो हम लोग हैं लखनऊ में, तो हम लोग क्या छुट्टी नहीं है, तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए केदारनाथ या कहीं और, या मतलब कहीं पे ऊंचे पहाड़ों पे जहाँ भगवान बसते हैं अमरनाथ वगैरह। तो फिलहाल हम लोग महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। महादेवा बहुत पुराना मंदिर है, महादेवा उसकी हिस्ट्री वहीं जाके बताऊँगा। तो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो आज का टर्न है महादेवा का, सुबह के अभी 9 बजे पे है। वैसे हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, लेकिन क्या होता है कि होते गड़बड़ होते होते पूरे 9 बज ही जाते हैं। तो सामने का रास्ता कुछ ऐसा है, अभी हम लोग है फैजाबाद हाईवे पे, सामने पूरे बादल आराम से छाए हुए हैं, बारिश होने की मतलब कुछ दिन से राहत है क्योंकि बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार, तो उसकी वजह से थोड़ी राहत है गर्मी से, लेकिन आज फिर भी मौसम गर्म है। महादेवा के साथ साथ हम लोग जाने वाले हैं विश्व का जो सबसे पुराना वाला पेड़ है, मतलब विश्व का सबसे पुराना पेड़ जो मतलब द्वापर युग से मतलब यहाँ पृथ्वी में है, तो उस पेड़ के भी दर्शन करने जाएंगे। पिछले बार जब गए थे तो उस पर फूल निकले हुए थे, तो इस बार उसमें फूल खिल गए होंगे, सावन आया हुआ तो हर पेड़ देखो आप हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो देखिए आज लखनऊ के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हम लोग एक्सप्लोर। हाईवे मैंने आपको बताया था फैजाबाद हाईवे पे है, तो इसमें हम लोग को जो रास्ता लेना है वो लेना है बहराइच वाला। बहराइच वाले रास्ते से हम लोग को मतलब बाराबंकी जाना पड़ेगा, बाराबंकी से बहराइच श्रावस्ती वाला रास्ता है वो वाला रास्ता हमको लेना पड़ेगा। रामनगर के अंदर आता है महादेव टेम्पल, तो रामनगर की ओर हमको जाना है। देखो महादेवा मंदिर की जो दूरी है बची है 3 किलोमीटर, हमने टर्न किया है लेफ्ट आपके उधर से ही, और देखिए इसी रास्ते में लुम्बिनी भी है जो है 280 किलोमीटर। तो आपको रामनगर से थोड़ा आगे आगे रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद आपको महादेवा टेम्पल मिल जाएगा। इधर जो गांव में है फतेहपुर लालपुर करौता सूरतगंज और महादेवा टेम्पल, तो गांव के अंदर लग रहा ना सामने वाला व्यू, इतने प्यारे घने घने काले बादल सार के, मतलब सावन के महीने में देखो शिव जी प्रसन्न है तो थोड़ा बारिश का मौसम सा बना हुआ है। और ये रास्ता है काफ़ी खूबसूरत, जब आप मेन हाईवे से अंदर की ओर आओगे ना गांव की ओर को, तो ये काफ़ी खूबसूरत है। बैरिकेडिंग से आगे जाने दे रहे हैं, और यहाँ से 3 किलोमीटर आपको जाना है पैदल वहाँ तक। हमारी गाड़ी इधर ही पार्किंग पे लगी हुई है सामने। तो अभी सिचुएशन ये है कि हमने गाड़ी खड़ी की है पार्किंग पे। पिछले बार जब निहारिका और हमें आए थे तो गाड़ी गई थी मंदिर तक पूरी। हम लोग सावन के महीने में मतलब सावन के महीने से एक मतलब 2-3 दिन पहले आए हुए थे, तो पूरी गाड़ी, लेकिन सावन के महीने में मैं भी यहाँ से भीड़ लगाती होगी। 2 किलोमीटर महादेवा उधर पीछे भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो 2 किलोमीटर हमको यहाँ से जाना है पैदल, पूरा मंदिर तक जाना है पैदल 2 किलोमीटर। तो हम लोग लगे हुए रास्ते पे क्योंकि इसमें और कोई गाड़ी नहीं चल रही है, और वहाँ पे पीछे मोस्टली बहुत सारे लोग मेरे पीछे आ भी रहे हैं और मोस्टली पीपल पैदल ही आ रहे हैं, सब लोग की गाड़ी उधर खड़ी होगी पीछे। तो आप अगर आओगे तो आप ध्यान रखना, इतना पैदल चलना पड़ेगा। तो सामने उधर जहाँ पर लगे हुए झंडे, ये हाले हिस्से पे झंडे लगे हुए हैं, उधर मंदिर है। तो कुछ गाड़ियाँ तो निकल ली हैं, लेकिन ये लोग लोकल के होंगे तो उनको जान दे कि हम लोग की पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि अगर पहाड़ में चलना पड़े तो अलग बात होती है, लेकिन पैदल पैदल लगे चले ऊपर इतनी भयंकर गर्मी, तो देखो क्या हाल होता है। हम लोगों ने देखे एक सेब खा लिया, ये हमको ज्ञान दे दी सेब खा लो खुद नहीं खाया भारत सकती हो। पूरी व्यवस्था बनी हुई है आने जाने में लोग के लिए, अभी भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन कल से मेरे ख्याल से सोमवार स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ गए हैं दर्शन करके, हम लोग भी पहुँच चुके हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ की हिस्ट्री, एक्चुअली बताते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर है वो महाभारत काल से स्थित है, मतलब महाभारत काल से मंदिर यहाँ पर स्थित है। इस गाँव के एक पंडित जी थे अवस्थी जी, उनके सपने में शिव जी आए थे, तो उन्होंने ये मंदिर यहाँ पर बनाया था। मतलब मंदिर हो सकता है मे भी ये शिवलिंग उसमें पहले से पुराना हो, और उन्होंने मंदिर यहाँ पर ऐसे बनाया हो। तो आप आइए हम भी दर्शन करते हैं, मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए। तो यह है मंदिर का मेन एंट्रेंस, मंदिर काफ़ी पुराना है, अभी इसमें पुताई वगैरह हुई है, तो मंदिर को आप ऐसे मत देखिए, लेकिन मंदिर की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो शिव जी के भजन लगे हुए हैं, कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा करते हैं पहुँच।
तो ये है सामने मेन मंदिर शिव जी का, महादेवा मंदिर जो है सबसे पुराना, तो वो ये मेन मंदिर है। मंदिर में है काफ़ी भीड़ एक्चुअली, मैंने थोड़े बहुत दर्शन आपको करा दिए। तो ये था लोधेश्वर महादेव मंदिर, महादेवा, रामनगर, बाराबंकी। तो फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं जो महाभारत मतलब द्वापर युग से जो पेड़ इस पृथ्वी पे है, मतलब पूरे विश्व का सबसे पुराना पेड़ पारिजात वृक्ष उधर। तो मिलते हैं आपको सीधे ऑन द वे ऑन पारिजात वृक्ष। हम लोग मंदिर गए थे महादेवा, तो महादेवा मंदिर मैंने आपको दिखाया था। अभी क्या है कि मेन इनका क्या है कि फास्ट था हम लोग का अभी तक, मतलब अभी तक हमने खाना नहीं खाया था, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। थोड़ा सा बहराइच वाली रोड पे थोड़ा आपको वहाँ का दिखाते हैं, वहाँ पर कैसे रेस्टोरेंट है और शायद वहाँ पर रिवर भी है बड़ी प्यारी सी। तो हम आपको वहाँ पर रिवर भी, मतलब घाघरा जो नदी है ना वो आपको मैं दिखाऊँगा। देखो यहाँ पर बैरियर लग गया, हमारे आते ही बैरियर लग गया, यानी ट्रेन आने वाली है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रेन के जाने का। यहाँ पर बादल कितना खूबसूरत, लेकिन बादल बड़ा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर ट्रेन के आने से पहले ट्रेन की मरम्मत का काम चल रहा है बिल्कुल एकदम से। तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं अंचल चंचल भोजनालय में। ये बहराई रोड पर है, थोड़ा सा महादेवा से थोड़ा आगे है, तो आप भी आ सकते हैं, बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे भी। तो मैं थोड़ा अंचल चंचल भोजनालय से थोड़ा हम लोग आगे आए, तो यहाँ पर है घाघरा नदी का बहुत अच्छा नज़ारा। देखो सामने वाले ब्रिज पे जा रही है ट्रेन, ये तो एक साइड से है रोड और एक साइड से है सामने ट्रेन, वो देखिए वो ट्रेन जाते हुए सामने। और ये है सामने ब्रिज, जिस ब्रिज से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं घाघरा नदी को। थोड़ा मैंने कहा आपको यहाँ का व्यू भी दिखा लें, क्योंकि आप महादेवा अगर आओगे, अगर आपको फ़ोटो वोटो खिंचाने का मतलब थोड़ा शौक है नदी के आसपास, तो आप लोग यहाँ घाघरा नदी का व्यू आप देख लो कितना भयंकर है। तो आप इसके साथ साथ यहाँ पे भी फोटो खिंचा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं विश्व के सबसे पुराने वाले पेड़ पे पारिजात वृक्ष पे, वो भी यहीं पर बिल्कुल यहीं इसी पुल से थोड़ा आगे जाके महादेवा की ओर को, एक किलोमीटर में वो 10 किलोमीटर दूरी है उसकी भी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। तो हम लोग आगे हैं पारिजात वृक्ष। यहाँ भी मतलब जैसे महादेवा भीड़ उड़ती है वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रही है। बस यह है कि यहाँ पर आप जहाँ पार्किंग खड़ी करेंगे वहीं पर आपको मिल जाएगा प्रसाद भी, मतलब पार्किंग के पैसे नहीं देने, प्रसाद के पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये ऐसा कुछ है यहाँ का मार्केट। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग, गाड़ियाँ पार्किंग लगी हुई हैं। तो हम जब पिछले बार आए थे तो ये पेड़ पूरा पूरा सा सूखा, इस बार इस पेड़ पे लगे हुए हैं हरे पत्ते। तो ये जो पेड़ है ये है बहुत पौराणिक, मतलब बहुत पुराना। देखिए इसके बारे में लिखा है, स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष पारिजात, मतलब क्या है कि ये ना इंद्र जी के पास था, इंद्रदेव के पास था, तो सर्व कामना को पूर्ण करने वाला पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदायिना, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारण यह है, समुद्र मंथन से पकड़ 14 रत्नों में से एक रत्न ये भी था। देवगण इसे स्वर्ग ले गए, पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, तो अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया। इसी कारण यह वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय रहा है। जनश्रुति है कि इस अलौकिक अद्वितीय वृक्ष के सामने विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। वृक्ष का तना करीब 10 मीटर मोटा है। इसमें अगस्त के महीने में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के उपरांत सुनहले हो जाते हैं। पारिजात के वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है अभी, लेकिन मंथ है जुलाई, अगस्त आने में मतलब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं और अभी इसमें वो फूल नहीं खिले हुए हैं। लेकिन है, देखिए आप कितना खूबसूरत है। अब इसका तना मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं इसका जो तना है वो जो लिखा था 10 मीटर मोटा, तो 10 मीटर तना है।
तो वो ऊपर टॉप में लगे हुए हैं फूल, वो जो वाइट कलर के हैं, कुछ दिन बाद तो सुनहरे कलर के हो जाएंगे ऐसा मतलब वहाँ लिखा था, लेकिन अभी वो वहाँ पर वाइट कलर के टॉप में लगे हुए हैं। अगर आपको दिखना है सामने फल, ये यहाँ पर फल है ये वाला, ये दिख रहा है आपको फल सामने, ये जो फल है ग्रीन कलर का, तो ये फल इसी फल के पास से निकलेगा वो फूल ऐसे, मतलब दो दो तीन जगह पे ऊपर ऊपर टॉप में लगे हुए हैं, अभी इसमें आने बाकी हैं। तो ये है देखिए फूल, पहले व्हाइट कलर का था, अब ये सुनहरा कलर का हो गया जो से लिखा था वहाँ पे। आपको मिला हुआ है फूल? अच्छा। मुझे नहीं, नहीं खरीद से नहीं, मुझे तो किसी ने दिया है। अच्छा। ऐसे ही दे दिया उन्होंने। अच्छा। वैसे वो कह रहे हैं उनको मिल रहा है कि एक किलो देसी घी का पैसा दीजिए। हाँ। तो मिल जाएगा आपको। अच्छा। मंदिर में डेली का कोई गिरता है। हाँ, अच्छा। हाँ, तो ऐसे मिल जाएगा। अभी एक गिरा था तो वो जो अंदर दर्शन कर रहे थे उनको अगस्त के महीने में। तो ये था पारिजात वृक्ष। तो निहारिका तुम तो आज खुश बहुत हो गई है, आज फूल लेके आनी आ रही, तो इसलिए बहुत खुश है। मिल जाता तो और क्या खुशी मिलती। तो ये दो ब्लॉक थे, एक ही ब्लॉक था महादेवा मंदिर और पारिजात, दोनों के आपस में बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। महादेवा में भी अगर आपको सावन के महीने में आना है तो शिव जी के दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं, साथ में सावन के महीने में इस पेड़ पर फूल खिल जाएंगे, तो आप इस पेड़ पर भी आके अपना मतलब इतना जो ये पौराणिक पेड़ है इसके दर्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।